जो गैर कौम की, हिंदू समाज की, मुसलमान बनाया 498 मेरा चल रहा है, मेरे को धमकी दिया जा रहा है कि पेशी में मत जाना, यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना। बसना में ये बात फैल रहा है कि मैं 30 लाख रुपए दे दिया हूँ और मैं तलाक ले लिया हूँ करके। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मेरे को खर्चा दे रहा है, ना मेरे से तलाक लिया है, और वो दूसरी लड़की से शादी करूँगा करके बोल रहा है। हमारे समाज वाले भी हमारा साथ दें, वो लड़की को भी बचाएं और मेरे साथ भी इंसाफ हो, बस यही विनती चाहती हूँ। धर्म परिवर्तन वाली बात आ रही है। हाँ, धर्म परिवर्तन ऐसा है, लिखित में ये लोग लिए हैं मुस्कान भोई से कि मैं धर्म परिवर्तन कर रही हूँ करके, वो साक्षात ऐसा लिख के दी है, लेकिन उसको भी फोर्स किए होंगे धर्म परिवर्तन में। ऐसा मुस्लिम समाज में नहीं है कि धर्म परिवर्तन करो, लेकिन पता नहीं ये लोग कहाँ कहाँ से रीति रिवाज निकाल रही है। ये लोगों को लाइसेंस कहाँ से मिला है कि भाई दूसरे कौम की लड़की को तुम अपने समाज में मिलाओ? हमारे समाज में लड़कियाँ कम हो जा रही है क्या? आज मुस्लिम समाज की लड़कियों को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं और हिंदू समाज की लड़कियों को दोबारा, वो भी चलो अपने बच्चे लोगों को तो कम से कम देखना चाहिए। मेरी ज़िंदगी बर्बाद किया, साथ में 2 बच्चे की भी ज़िंदगी बर्बाद किया, अब उस लड़की की भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। यह एक लौ जिहाद का मामला है। जैसे कि पूरे समाज वाले आए हैं बसना से, एक कोलता समाज की लड़की जो कि एक बहुत पढ़ी लिखी सुसंस्कृत लड़की है, बहुत मेरिट में आती है वो लड़की, उसको एक षड्यंत्र के तहत एक मुस्लिम युवक ने, जो पहले से ही शादीशुदा है, जिसके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, आज उसकी पत्नी आई हुई है अपनी पीड़ा बताने के लिए, और एक हिंदू लड़की कोई खुशी यादव है, उसके साथ भी वो रिलेशनशिप में रह चुका है, जिसकी भी फोटो भी आज हमारे पास आ चुके हैं। उसके बावजूद आज एक 18 साल की लड़की, अभी 2 महीना पहले वह 18 साल को पूर्ण की है, उस लड़की को भी अपने लव जिहाद में फंसाया है। आज उस लड़की से जब हम थाने में मिले तो उस लड़की ने स्पष्ट कहा कि लड़के की जो अब्बू अम्मी जो उसके परिवार हैं सब ने उसको अपने संरक्षण में रखा है, और जो उसकी लीगल पत्नी है शिवा जो यहाँ आई हुई है, 2 बच्चों सहित उसको घर से निकाल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यह षड्यंत्र के रूप में यह चल रहा है कि अधिक से अधिक हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाया जाए, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाए और अपनी जनसंख्या बढ़ाई जाए, इससे यही स्पष्ट हो रहा है। कानूनी रूप से अगर वह लड़का उस लड़की के साथ रह रहा है तो पूरी तरह से इलीगल है, क्योंकि अगर वह लड़का अभी हमको मिला था, उसने हमें बताया कि मैं 4 पत्नी रख सकता हूँ, तो 4 पत्नी रखने का कोई रिवाज नहीं है। 4 पत्नी तभी रख सकता है वह जब उसकी पहली पत्नी उसको परमिशन दे, अभी उसकी पहली पत्नी ने उसको कोई परमिशन नहीं दिया है, इसलिए इस प्रकार का जो वह कृत्य कर रहा है यह इलीगल है। पूर्व में जब यह लड़की मुस्कान भोई नाबालिग थी तब भी उसके घर वालों ने शिकायत की थी कि यह लड़का इसके साथ छेड़खानी कर रहा है, परेशान करता है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, सिर्फ 151 की धारा लगाकर लड़के को अंदर किया था, जिसके कारण वह लड़का जो है उसकी हिम्मत बढ़ती गई, और आज उस हिम्मत की परिणति यह है कि एक छोटी सी लड़की जो अभी 18 साल पूर्ण की है, जो उसका अभी जो भोली भाली है, जो दीन दुनिया नहीं समझती, आज उसका जीवन पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया गया। जिस तरह का मामला बन सकता है इसको, क्योंकि तलाक के बिना दूसरी शादी की है। देखिए, तलाक के बिना दूसरी शादी करना पूर्णतः इलीगल है। उस लड़की को हमने बहुत समझाया कि तुम्हें पत्नी का दर्जा नहीं मिल सकता जब तक कि वह तुमसे लीगल रूप से शादी नहीं करता, तो उस लड़की के दिमाग में, उस लड़के के घर वाले, इरफान के घर वालों ने यह भर दिया है कि तुम हमारी बहू हो, हम तुमको अपना बहू का सम्मान दे रहे हैं। इस तरह से उस लड़की का ब्रेन वॉश करके उस भोली भाली बच्ची को बरगलाया गया है।